स्थानीय सांवरिया सेठ मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया देव उठनी ग्यारस पर तुलसी विवाह। रामदेव बाबा मंदिर से ठाकुर जी की बारात बाजे गाजे के साथ पहुंची सांवरिया सेठ मंदिर, जहां पर तुलसी विवाह संपन्न कराया गया। दरअसल देवउठनी एकादशी पर सांवरिया मंदिर में भव्य तुलसी विवाह का आयोजन किया गया और अनलॉक के बाद तुलसी विवाह में श्रद्धालु ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा रामदेव मंदिर से शालिग्राम भगवान की बारात सांवरिया मंदिर पहुंची, जहां पर भगवान शालिग्राम का विवाह तुलसी माता के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया गया। इस दौरान मंदिर की आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई। शाम से लेकर रात 10 बजे तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। गौरतलब है कि कोरोना जैसी वैश्विक आपदा के चलते पिछले 2 वर्षों से सांवरिया मंदिर में भव्य आयोजन नहीं करवाया जा रहा था। पंडित जितेंद्र डोंगरे, पंडित जी कौन सा मंदिर में? ये सांवरिया सेठ मंदिर है। आज क्या कार्यक्रम का आयोजन था? आज देवउठनी एकादशी पर भगवान श्री शालिग्राम जी का तुलसी के संग विवाह हुआ। भव्य आयोजन था। पास ही रामदेव बाबा मंदिर से शोभा यात्रा निकली। जुलूस में अनेकों श्रद्धालु भक्तजन शामिल थे। बाजे गाजे के साथ भगवान को रामदेव बाबा मंदिर से श्री सांवरिया सेठ मंदिर प्रांगण में ला करके भगवान श्री शालिग्राम जी के संग में तुलसी जी का भव्य सुंदर अद्भुत और अलौकिक विवाह हुआ। कितनी संख्या थी लगभग? आज यूँ देखो स्थायी रूप से तो 1500 तो थे, परंतु दर्शनार्थी आते गए चलते गए, ऐसे करके करीब 5 बजे से श्रद्धालु आने लगे तो रात्रि 10 बजे तक नियमित रूप से श्रद्धालु चलते रहे। वॉइस ऑफ राइट्स के बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।